हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइग्रेशन इन फिशेस तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले जो टर्म है माइग्रेशन माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर प्रवास करना या माइग्रेट करना बहुत सारे एनिमल्स हैं जो खाने के लिए या शेल्टर के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग सीजन में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं उसी तरह से जो फिशेज़ होती हैं उनमें भी माइग्रेशन देखने को मिलता है देखिए माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ़ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फीडिंग रिप्रोडक्शन और टू स्केप वेदर एक्सट्रीम्स यानी कि मौसम में अगर मान लीजिए सूखा पड़ने वाला है या इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी जो फिशेज़ है वो माइग्रेट करती हैं माइग्रेटरी बिहेवियर ऑफ़ फिश इज़ अ रेगुलर फेनोमिन तो जो माइग्रेशन है वो फिश में भी देखने को मिलता है बर्ड्स में भी देखने को मिलता है तो हम आज फिशेज का माइग्रेशन देखेंगे तो चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन ऑन द बेस ऑफ दियर नीड्स देखिए ये जो माइग्रेशन है इसका टाइप उनके नीड पर यानी कि किस जरूरत के लिए वो किस पर्पज़ के लिए पर्पज़ भी आप बोल सकते हैं या फिर कॉज ऑफ माइग्रेशन तो वो किस परपज़ के लिए जो है एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करती हैं सबसे पहला है फीडिंग माइग्रेशन फीडिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि फूड के लिए वो माइग्रेट करेंगी और इसे जो है एलिमेंट्री माइग्रेशन भी बोलते हैं फीडिंग माइग्रेशन का दूसरा नाम एलिमेंट्री माइग्रेशन भी है माइग्रेशन फॉर सर्च ऑफ फीडिंग ग्राउंड यानी कि फूड को फूड के लिए वो जो है माइग्रेट करेंगी स्पॉनिंग माइग्रेशन इसको गैमेटिक माइग्रेशन भी बोलते हैं ये जो है एग देने के लिए अंडा देने के लिए जो है वो एक स्पॉनिंग ग्राउंड खोजती हैं इट अकर्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन इन सर्च फॉर द सुटेबल स्पॉनिंग ग्राउंड जहाँ पे वो रिप्रोडक्शन करेंगे और एग ले करेंगे तो इसे गैमेटिक भी बोलते हैं तीसरा है क्लाइमेटिक माइग्रेशन इसे सीजनल माइग्रेशन भी बोलते हैं जो कि क्लाइमेट कैसा है मौसम के हिसाब से वो माइग्रेट करेंगी माइग्रेशन इन सर्च फॉर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन फोर्थ है जुवेनाइल माइग्रेशन इट इज लार्वल माइग्रेशन फ्रॉम स्पॉनिंग ग्राउंड टू द फीडिंग हैबिटेट्स ऑफ दियर पेरेंट देखिए जो फिशेज़ होती हैं वो दूसरी जगह पे जा करके अंडा देती हैं तो जब उनमें से जो बच्चे होते हैं वो फिर से फीडिंग ग्राउंड की तरफ जो पेरेंट्स का फीडिंग हैबिटेट्स होता है उसकी तरफ वो माइग्रेट करते हैं तो ये बच्चों का जो माइग्रेशन है इसे लार्वल माइग्रेशन बोलते हैं जो जन, कि स्पॉनिंग ग्राउंड से यानी कि जहाँ पे उन्हें जन्म दिया गया था वो वहाँ से अपने फीडिंग ग्राउंड पे जो फीडिंग हैबिटेट से अपने पेरेंट का वहाँ पे लौट आते हैं तो उस तरह का जो माइग्रेशन है वो है जुवेनाइल माइग्रेशन देखिए एक और माइग्रेशन होता है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन यहाँ पे मैंने चार लिखा है एक और होता है ऑस्मो रेगुलेटरी माइग्रेशन इस माइग्रेशन में क्या होता है जो फिशेस होती हैं वो समुद्र से फ्रेश वाटर में यानी कि नदियाँ में माइग्रेट करती हैं और फिर फ्रेश वाटर से सी में इनका जो आना जाना है वो सी टू फ्रेश वाटर एंड देन फ्रेश वाटर टू सी लगे रहता है ताकि ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को इनेबल रख सके फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस ऑन दियर बॉडी इनका पर्पज़ होता है वाटर बैलेंस उनके शरीर में ताकि वाटर एंड जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसको बैलेंस रख सके बैलेंस तो ये एक माइग्रेशन हो गया तो हमने जो है इनका पर्पस में नीड में पांच तरह का माइग्रेशन अब जो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन है कि फिशेज जो है वो किस रेंज में जाती हैं कहाँ पे मूव करती है कौन सी फिशेज तो जो एक्चुअल माइग्रेशन है टाइप ऑफ माइग्रेशन वो अब हम देखेंगे फिश माइग्रेशन आर क्लासीफाइड इन टू फॉलोइंग टाइप्स अब इन्हें भी बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया अभी तो हमने देखा कि उनका पर्पज़ क्या था वो खाने के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए या सेल्टर खोजने के लिए तो इस तरह का माइग्रेशन हम लोगों ने अभी तक देखा अब चलिए आगे देखते हैं सबसे पहला टाइप है लेटीट्यूडनल माइग्रेशन देखिए इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ फिश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा इट इज़ अ क्लाइमेटिक माइग्रेशन देखिये ये क्लाइमेटिक माइग्रेशन का टाइप है इट मीन्स कि वो मौसम के हिसाब से वो क्या करती हैं अपना माइग्रेशन करती हैं तो देखिए जब वो नॉर्थ की तरफ जाती है जब वहाँ पे ऑट्यूमन होता है सॉरी स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन जब होता है तब वो नॉर्थ की तरफ जाएंगी और साउथ में कब जाएंगी जब वहाँ पे होगा तो इस तरह से ये क्लाइमेटिक माइग्रेशन है लैटिट्यूडिनल माइग्रेशन जो कि स्वॉर्ड फिश या बैराकूडाज में देखने को मिलता है अब है वर्टिकल माइग्रेशन वर्टिकल माइग्रेशन इट इज़ अ डेली माइग्रेशन ऑफ फिश फ्रॉम डीप टू द सरफेस एंड वाइस वर्सा फॉर फूड और प्रोटेक्शन एक्सेट्रा ये डेली माइग्रेशन है यानी कि हर रोज जो है फिशेस क्या करती हैं डीप में यानी कि पानी की गहराई में जाती हैं और फिर वो सरफेस पे आ जाती हैं और ये जो है प्रोसेस लगातार चलते रहता है वो फूड के लिए खाने के लिए या प्रोटेक्शन बड़ी फिशेस से बचने के लिए तो ये जो है डेली माइग्रेशन है वो लगातार जो है इस तरह का फिशेज माइग्रेशन करती हैं एग्ज़ाम्पल आप स्वॉट फिश का ले सकते हैं नेक्स्ट इज़ पोटामोड्रामस पोटामोड्रामस में क्या होता है ये फ्रेश वाटर माइग्रेशन है यानी कि जो फिशेज हैं वो फ्रेश वाटर की होंगी और ये फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट करेंगी यानी कि एक रिवर से दूसरी रिवर में इट इज़ फ्रेश वाटर माइग्रेशन ऑफ फिश फ्रॉम वन हैबिटेट टू अनदर फॉर फीडिंग और स्पॉनिंग इट इज ऑल्सो नोन एज लिम्नोड्रामस माइग्रेशन इसे लिम्नोड्रामस माइग्रेशन भी बोलते हैं और ये जो है फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर माइग्रेशन होगा एक रिवर से दूसरे रिवर में इसे पोटामोड्रामस भी कहते हैं और लिम्नोड्रामस और ये किस लिए करती हैं फीडिंग पर्पस के लिए या स्पॉनिंग के लिए तो इस तरह का माइग्रेशन जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर में ही हो उसे कहेंगे पोटामोड्रामस नेक्स्ट है ओसानोड्रामस देखिए ओशन से ही समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ में पे माइग्रेट करेंगी ओशन में इट मीन्स मरीन वाटर सी में इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ़ फिश विद इन सी इन सर्च ऑफ सूटेबल फीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड सिर्फ और सिर्फ समुद्र की मछलियाँ समुद्र में ही जब माइग्रेशन करती हैं तो उसे ओसैनोड्रामस बोलते हैं और ये किस लिए करती हैं वही सेम प्रॉब्लम फीडिंग या स्पॉनिंग के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन और खाने पीने के लिए एग्जाम्पल हो गया ट्यूना या क्ल्यूपिया और पोटामोड्रामस का एग्जाम्पल हो गया काप्स या कैटफिश जो कि मीठे पानी की मछलियाँ और खारे पानी की मछलियाँ होती हैं टूना तो ये हो गया हमारा ओसेनाड्रामस अब देखिए डायाड्रामस माइग्रेशन डाया डाया से ही समझ में आ रहा है कि दो चीज़ें हैं देखिए किस तरह से इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ फिश बिटवीन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर यानी कि इस तरह का जो माइग्रेशन होता है इसमें जो फिशेज होती हैं वो फ्रेश वाटर से कहाँ पे मूव करेंगी सी वाटर में और कुछ मछलियाँ सी वाटर से फ्रेश वाटर में तो ये क्या है ये एक ट्रू माइग्रेशन है जो कि हमें देखने को मिल रहा है कि मीठे पानी की मछलियाँ जो है समुद्र में जा रही हैं और वहाँ की जो है फ्रेश वाटर में आ रही हैं तो सम फिशेज रेगुलरली माइग्रेट बिटवीन सी एंड फ्रेश वाटर ये सी और फ्रेश वाटर का के बीच का माइग्रेशन होता है और ये जो डायाड्रामस माइग्रेशन है ये एक साइंटिस्ट है जॉर्ज एस मेयर्स तो इन्होंने ये टर्म दिया था उन्होंने देखा कि जो फिशेज हैं वो ना सिर्फ अपने ही रीजन में बल्कि काफ़ी दूर दूर तक फिशेज़ जाती हैं सी वाटर से फ्रेश वाटर में भी तो ये टर्म डिफाइंड किया था डायाड्रामस जॉर्ज एस मैर्स ने 1949 में दे आर द ट्रू माइग्रेटरी फिश जो डायाड्रामस होता है ये ट्रू माइग्रेशन है डायाड्रामस माइग्रेशन इज़ ऑफ थ्री टाइप्स देखिए मोस्टली तो ये टू टाइप्स की होते हैं पर मैंने थ्री बताया है एनाड्रामस और कैटाड्रामस जो है मेन है देखिए एनाड्रामस क्या होता है इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ मरीन फिशेज फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग तो इसमें जो मछलियाँ होती है वो क्या करती हैं सी से यानी कि समुद्र से वो कहाँ जाती हैं फ्रेश वाटर में यानी कि रिवर में यानी कि मरीन से वो फ्रेश वाटर में जाती हैं फिशेज स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन सी देखिए जो मछलियाँ होती है वो अपनी जिंदगी का ज़्यादातर समय कहाँ पे गुजारती हैं सी में लेकिन जब ब्रीडिंग सीजन आता है जब रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो चली जाती हैं रिवर पे दे ओनली माइग्रेट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन टू द रिवर फॉर स्पॉनिंग ग्राउंड जहाँ पे वो एग ले कर सके एग्जाम्पल हो गया सैलमन हिल्सा, स्टर्जन तो ये है एनाड्रामस कैटाड्रामस जस्ट इसका उल्टा होगा इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज फ्रॉम रिवर टू सी इसमें क्या होगा रिवर से कहाँ चली जाएंगी सी में यानी कि मीठे पानी से फ्रेश वाटर से कहाँ चली जाएंगी समुद्र में ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन फॉर स्पॉनिंग सेम रीज़न वो किस लिए जाती हैं स्पॉनिंग के लिए यंग वन को बर्थ करने के लिए एग्जाम्पल हो गया फ्रेश वॉटर ईल ईल का साइंटिफिक नेम एंग होता है ला देखिए एक जो और मैंने बताया एम्फीड्रामस माइग्रेशन एम्फी का मतलब ही होता है ड्यूअल इसमें देखिए क्या होगा ये भी इस तरह का माइग्रेशन भी पाया जाता है जो दो है वो मेन टाइप्स है एनाड्रामस और कैटाड्रामस देखिए एम्फीड्रामस में क्या होता है माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर एंड वाइस वर्सा इसमें जो होती हैं वो फिशेस क्या करती हैं फ्रेश वाटर से सी में भी जाती हैं और फिर सी से रिवर में इट मीन्स फिर मरीन वाटर से रिवर वाटर में वापस ला जा आ जाती हैं विदाउट द पर्पज़ ऑफ ब्रीडिंग और इनका पर्पज़ जो है ब्रीडिंग नहीं होता है लेकिन खाने के लिए या फूड सेल्टर के लिए ये माइग्रेट करती हैं बट फॉर अदर पर्पज़ लाइक फॉर फूड सेल्टर एक्सेट्रा तो ये जो है एम्फीड्रामस इसीलिए लिए इसे कहते हैं एग्जाम्पल हो गया मेगालोपा, कैनोस इत्यादि तो हमने ये जो एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस माइग्रेशन देखा दीज आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन अब जो ईल्स है मैंने यहाँ पे ईल्स का माइग्रेशन शो किया है जो कि क्या शो करती हैं कैटाड्रामस माइग्रेशन शो करती है कैटाड्रामस का मतलब क्या हो गया कि ये रिवर से यानी कि फ्रेश वाटर से कहाँ पे मूव करती हैं सी में जाती हैं समुद्र में ईल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैटाड्रामस माइग्रेशन जिसमें से दो कॉमन स्पीसीज है जिसमें ये ज़्यादा देखने को हमें मिलेगा वो है एंगुला वलगैरिस जो कि एक यूरोपियन ईल है और एक है एंगुइला रोस्ट्राटा जो कि अमेरिकन ईल है तो चलिए ईल का माइग्रेशन देखते हैं कि किस तरह से वो होता है इट्स एग्जाम्पल ऑफ कैटाड्रामस माइग्रेशन देखिए ड्यूरिंग ऑट्यूमन जैसे ही ऑट्यूमन सीजन आता है द कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू मेटालिक सिल्वर यानी कि इनका कलर चेंज हो, हो जाता है और ये सिल्वर कलर की हो जाती हैं मेटालिक सिल्वर खाना पीना ये रोक देती हैं फीडिंग स्टॉप्स विद द श्रिंकिंग ऑफ दियर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि इनका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जो एलिमेंट्री के नाल होगा वो थोड़ा सिकुड़ जाता है खाना पीना इनका रुक गया आइस जो होता है वो लार्ज हो जाता है स्नाउट यानी कि जो इनका स्नाउट है ये ये क्या हो जाता है शार्पर बहुत ही तीखी हो जाती है इनका जो नोज़ वाला रीज़न होगा एंड द गैट्स आर फुल्ली मेच्योर और जाहिर सी बात है कि ब्रीडिंग सीजन है तो गुनाइट्स क्या हो जाएंगे मच्योर हो जाएंगे द सिल्वरी ईल्स देन एंटर सी तब ये फ्रेश वाटर से कहाँ चली जाती हैं सी वाटर में फॉर स्पॉनिंग कम से कम चार हजार पाँच सौ किलोमीटर की ये दूरी तय करती हैं फॉर रीचिंग दियर ब्रीडिंग प्लेस द अडल्ट डाई आफ्टर स्पॉनिंग इन डीप वाटर्स अब देखिए जब ये स्पॉनिंग मतलब जब ये अंडा देती हैं उसके बाद क्या होता है जो अडल्ट होते हैं वो मर जाते हैं इट मीन्स कि पेरेंट्स क्या है मर गए द एग्स हैच इन टू लिटिल ट्रांसपेरेंट लीफ लाइक फ्लैट एंड प्लेजिक लार्वी कॉल अब देखिए जो एग है जो उन्होंने अंडा दिया जिसके बाद वो मर गई उसके बाद वो एग में से छोटे छोटे फिशेज लार्वा निकलते हैं जो कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट यानी कि एकदम पारदर्शी होता है लीफ लाइक उनका शेप होगा देख सकते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बहुत ही चपटा साकार और फ्री स्विमिंग होते हैं यानी कि ये स्विम करते हैं समुद्र में और उस समय उन्हें क्या बोलते हैं लेप्टोसिफेलिया तो उस लार्वे का नाम है लेप्टोसिफेलिया लेस दैन सिक्स मिली लॉन्ग और इनकी जो लंबाई है बहुत ही छोटी होती है करीबन सिक्स मिली mm. दे हैव शार्प needle लाइक -like teeth फॉर फीडिंग दे ग्रो इन टू एल्वर्स और eels. इनके पास बहुत ही नुकीली दांत होता है बहुत ही नीडल लाइक जिसे ये अपना खाना खाते हैं और लिप्टो के बाद ये क्या बन जाते हैं एल्वर्स एल्वर लार्वा में ये चेंज हो जाते हैं जिसे ग्लास हिल्स भी बोलते हैं और ये अब कितने बड़े हो गए हैं एट सेंटीमीटर लॉन्ग विथ सिलेंड्रिकल बॉडी अब जो इनकी बॉडी है वो लीफ लाइक से क्या बन चुकी है सिलेंड्रिकल द एलवर्स फीड एंड ग्रो टू बिकम यल्लो ईल्स इन सम समयस और फिर जो ये एल्वर लार्वा है कुछ दिनों के बाद ये खाना खाएगा फीड करेगा और ग्रो होकर फिर वो एक यल्लो ईल बन जाएगा और फिर वही सर्कल घूमेगा फिर येल्लो से सिल्वर एंड देन वो पूरा एक सर्कल होगा तो ये है ईल लार्वा का माइग्रेशन जो कि वो स्पॉनिंग के लिए करते हैं सबसे पहले वो लेप्टोसिफेली लार्वा बनते हैं देन एल्वर और देन एक अडल्ट ईल और फिर ये जो लेफ़्टो लार्वा होता है ये कहाँ पे माइग्रेट करेगा ये फ्रेश वाटर जाएगा अपना जो फीडिंग ग्राउंड है वहीं पे ये खाएगा पिएगा और फिर क्या होगा फिर ये एक टील में तब्दील हो जाएगा फिर ये टील कहाँ है फिर ये सी में जाएगी एग ले करने के लिए देन लेफ्टो लार्वा तो ये एक इनका चक्र है अब देखिए मैंने यहाँ पे एनाड्रामस माइग्रेशन का एग्जाम्पल दिया है सालमन एनाड्रामस में क्या होता है जो फिशेज़ होती हैं वो सी से रिवर की तरफ जाती हैं यानी कि मरीन वाटर से ये कहाँ जाएंगी फ्रेश वाटर में देर इज़ अ सिंगल स्पीसीज़ ऑफ एटलांटिक सालमन जीनस है सैलमो सेलार एंड फाइव स्पीसीज़ ऑफ पैसिफिक सालमन जीनस है ऑनको दे आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनाड्रामस माइग्रेशन तो ये सारी जो फिशेज़ हैं ये एनाड्रामस माइग्रेशन शो करती हैं इनमें क्या होता है इन विंटर बोथ द सेक्सेस लीव दियर फीडिंग ग्राउंड ऑफ सी टू रीच द फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स विंटर सीजन जैसे ही आता है दोनों यानी कि मेल और फीमेल क्या करते हैं अपना फीडिंग ग्राउंड को छोड़ करके वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर वो रिप्रोडक्शन करेंगे और एग ले करेंगे दे स्टॉप फीडिंग इनमें भी सेम कंडीशन है खाना छोड़ देंगे और इनका जो कलर है क्या हो जाएगा चेंज टू अ डल रेडिश ब्राउन कलर के ये हो जाएंगे सिल्वर कलर से एंड मेक अ होल इन बॉटम ग्रेवल, और ये क्या करेंगे जो नीचे का सतह होगा कंकड़ पत्थर उसको हटा करके वो एक होल बनाएंगे जिसमें वो एग ले कर सके आफ्टर स्पॉनिंग द डल्ट डाई इनमें भी वही होगा कि अंडा देने के बाद जो एडल्ट्स हैं वो मर जाएंगे बट स्पीसीज़ में सर्वाइव कुछ कुछ स्पीसीज लेकिन ऐसा भी होता है जो कि सर्वाइव कर जाता है और फिर से वो कहाँ चला जाता है सी में फ्रेश वाटर से वो फिर से सी वाटर में चला जाएगा और फिर से वो स्पॉनिंग के लिए आएगा सेकेंड टाइम इन लाइफ या थर्ड टाइम ऐसा भी देखा गया आफ्टर हैचिंग द लार्वल फिश फीड एंड ग्रो हैचिंग के बाद जो लार्वा होगा वो फिर फीड करेगा ग्रो करेगा मैच्योर होने के लिए जो बहुत छोटे छोटे सालमंस होते हैं उसे हम बोलेंगे एलेवेंस। फिर ये जो एलेवेंस है इनका नेक्स्ट स्टेज है एलेवेंस फिर क्या बन जाएंगे पार एंड फाइनली ये फिर क्या बन जाएंगे एक अडल्ट यंग सालमन्स ग्रो फास्टर इन द ओशन बिकॉज ऑफ अट फूड देयर तो ये फ्रेश वाटर से ये जो इनके बच्चे थे वो फिर से कहाँ चले गए सी में चले जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारा इन्हें खाने की कमी नहीं होगी तो ये फिर वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे तो ये देखिए ये दो है एलेवेंस ये है पार और पार के बाद ये फिर क्या बन जाएंगे एक अडल्ट और अडल्ट बनने के बाद फिर ये रिवर की तरफ मूव करेंगे और फिर रिवर में रहने के बाद जब ब्रीडिंग सीजन आएगा ये फिर कहाँ चले जाएंगे सी में और सी में फिर क्या होगा वो एलेवेंस बनेगा एलेवें से पार देन अडल्ट तो फिर इनका ये एक लाइफ साइकिल हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ फिश माइग्रेशन देखिए मैंने यहाँ पे सिग्निफिकेंस लिखा है टू फाइंड सूटेबल फीडिंग एंड स्पॉनिंग ग्राउंड खाने के लिए रिप्रोडक्शन के लिए प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम प्रीडेटर्स दूसरी बड़ी मछलियाँ हैं या कोई दूसरा जानवर है फिश सर्वाइव फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह का क्लाइमेट है वहाँ का वेदर कैसा उस हिसाब से जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाती है ये एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे तो बहुत नई नई स्पीशीज़ का जन्म होगा तो ये होता है इट इज़ एन अडेप्टेशनल कैरेक्टर्स फॉर सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए कि एक जगह में अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो दूसरी जगह चले जाएँगे तो ये इनका सिग्निफिकेंस है फिश माइग्रेशन का तो यही था आज का हमारा टॉपिक देखिए तो आज हमने माइग्रेशन इन फिशेज में देखा कि माइग्रेशन फिशेज जो करती हैं वो फीडिंग के लिए स्पॉनिंग के लिए क्लाइमेटिक जुवेनाइल माइग्रेशन होता है रेगुलेटरी तो ये पांच तरह का उनका नीड्स या पर्पस के लिए वो करती हैं टाइप्स ऑफ फिश माइग्रेशन में हमने देखा लैटीट्यूडनल वर्टिकल वो टैमोड्रामस जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में होगा ओसनोड्रामस जो कि ओशन में होगा डायड्रोमस में हमने देखा कि जो फिशेस थी वो फ्रेश वाटर से सी वाटर और सी से se फिर से फ्रेश वाटर में जाती थीं जिसमें हमने तीन देखा एनाड्रामस जो कि सी से रिवर जाती थी, कैटाड्रामस रिवर टू सी एंड एम्फीड्रामस ये क्या करती थी रिवर टू सी एंड फिर सी से रिवर में ये तरह का हमने माइग्रेशन का टाइप्स देखा था फिर हमने ईल्स एज़ अ कैटाड्रामस माइग्रेशन का एग्ज़ाम्पल हमने देखा ये हो गया ईल का माइग्रेशन जो कि स्पॉनिंग के लिए जाती हैं उसके बाद हमने देखा सालमन सालमन है एनाड्रामस माइग्रेशन के लिए जो कि सी से रिवर की तरफ माइग्रेट करती हैं फॉर स्पॉनिंग तो ये हो गया सालमन का और फिर हमने सिग्निफिकेंस देखा तो दोस्तों यही है हमारा आज का टॉपिक अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच